भारत की नौजवान आबादी और तेजी से बढ़ते बाजार की वजह से अब वह दिन दूर नहीं जब भारत विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों में गिना जाने लगेगा। इतिहास गवाह है कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत ढांचा लगातार विकसित हो रहा होता है वह देश तीव्र गति से प्रगति करता है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत के साथ, इंडिया के साथ। कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन एक दो दशक के बाद जब अंग्रेज भारत घूमने आएंगे तो उन्हें भी विश्वास नहीं होगा कि इस देश को वो कभी सपेरों के देश के नाम से पहचानते थे। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भारत के वो मेगा स्ट्रक्चर्स जो हमारी मातृभूमि को एक दिन विकासशील से विकसित देश बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत में कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन और भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं जिनके पूरा होने पर भारत न सिर्फ खुद को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा बल्कि भारत के लिए दूसरे देशों का नजरिया भी बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं भारत के 9 मेगा स्ट्रक्चर्स। नंबर 1, चिनाब रेलवे ब्रिज। चिनाब रेलवे ब्रिज जम्मू और कश्मीर के बीच चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा निर्माणाधीन आर्च ब्रिज है जिसे कंक्रीट और स्टील से बनाया जा रहा है। निर्माण के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बन जाएगा जिसकी जमीन से कुल ऊंचाई 359 मीटर यानी कि 1178 फीट होगी जो इसे एफिल टावर से भी ऊंचा बना देगी जिसकी ऊंचाई महज 324 मीटर है। 1250 करोड़ की लागत से बन रहा यह ब्रिज भारतीय रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। 1.3 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज श्रीनगर को कटनी से जोड़ेगा। आशा है कि 2019 के अंत तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इंजीनियर्स इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि ये किसी बड़े भूकंप और विस्फोट को आसानी से सह लेगा। पूरा होने के बाद यह ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल बन जाएगी जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आएंगे। नंबर 2, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई में बन रहा 21.8 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन सी लिंक ब्रिज है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसकी नींव 20 अप्रैल 2018 में रखी गई थी। इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। यह ब्रिज मुंबई मेन लैंड को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। निर्माण पूरा होने के बाद यह ब्रिज भारत का सबसे लंबा सी लिंक ब्रिज बन जाएगा। इसके निर्माण की लागत 2.0 बिलियन डॉलर यानी कि 14,262 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। संभावना है कि 2022 तक इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाएगा जिसके बाद इस ब्रिज से रोजाना 70,000 गाड़ियां गुजरेंगी। 2004 में जब इस प्रोजेक्ट की मांग की गई थी तब सरकार द्वारा 4,500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे और आज वर्तमान में इसकी कुल लागत 3 गुना बढ़ गई है। निर्माण के बाद यह ब्रिज न सिर्फ 2 प्रमुख शहरों गोवा और पुणे को मुंबई से जोड़ने का काम करेगा बल्कि ये दुनिया भर में भारतीय इंजीनियरिंग कौशल की मिसाल पेश करेगा। अरे भाई, 21.8 किलोमीटर लंबा सी लिंक ब्रिज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत की राजधानी दिल्ली और भारत का फाइनेंशियल हब कहे जाने वाले मुंबई शहर के बीच बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करना और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित करना है। 1506 किलोमीटर का यह कॉरिडोर 6 राज्यों से होकर गुजरेगा जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर इन दोनों प्रमुख शहरों के मध्य 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटीज, हाई स्पीड रेल और सड़कों का निर्माण किया जाना है। इस पर 90 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 60,000 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार जापान के साथ मिलकर पूरा करने वाला है। प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद यह भारत को इंडस्ट्रियल पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देगा। नंबर 4, गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है जो एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और फाइनेंशियल हब है। इसका निर्माण अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सपना हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था। उनकी सोच थी कि गुजरात में सिंगापुर और हांगकांग जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब स्थापित किए जाएं। निर्माण के बाद यह भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी और भारत का एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब होगा। इस प्रोजेक्ट के 2 फेज का काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ कंपनियों ने भी अपना काम यहां चालू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा देश दुनिया के चुनिंदा फाइनेंशियल हब्स में गिना जाने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, सागरमाला प्रोजेक्ट।
सागरमाला परियोजना की घोषणा 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसके बाद 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की परिकल्पना की। 120 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 8 लाख करोड़ की लागत से शुरू की गई भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत भारत में नए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, 14 नए कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों यानी कि पोर्ट्स को रेल, सड़क और हाईवे के माध्यम से जोड़ना है, जो न केवल भारत के औद्योगिक और सामुद्रिक व्यापार को बढ़ाएगा बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। नंबर 6, भारत माला प्रोजेक्ट। इस परियोजना को 24 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे भारत देश में 7 लाख करोड़ की लागत से 83,670 किलोमीटर रोड्स का जाल पूरे देश में बिछाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के चारों कोनों में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, नए नेशनल कॉरिडोर्स का निर्माण और पुराने कॉरिडोर्स की मरम्मत कर भारत के तटीय वर्ती इलाकों और बंदरगाहों को हाईवे से जोड़ना है। उम्मीद है कि मई 2027 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7, मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर। इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। यह भारत का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होगा। 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम जनवरी 2019 में शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 8 घंटे से घटकर मात्र 2 से 3 घंटे हो जाएगा। इस परियोजना में लगने वाले कुल लागत का 80% भारत जापान से लोन के रूप में लेगा। साल 2022 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात चल रही है। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद दूसरे शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की बात चल रही है, जिसके बाद भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में की जाएगी जहां बुलेट ट्रेन चलती है। नंबर 8, गुजरात गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। यह देश की सबसे लंबी एलपीजी गैस लाइन होगी, जिसे गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से जोड़ा जाने वाला है। 9000 करोड़ की लागत से बन रही ये एलपीजी पाइपलाइन देश के 7 मुख्य शहरों अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ से होकर जाएगी। 1987 किलोमीटर लंबे इस पाइपलाइन को बिछाने का जिम्मा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL को दिया गया है, जिस पर 24 फरवरी 2019 से काम चालू भी हो गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर गुजरात से पाइपलाइन के जरिए सालाना 37.5 लाख टन एलपीजी गैस देश के विभिन्न शहरों तक भेजा जा सकेगा। इस परियोजना का सीधा फायदा देश की जनता को होगा। नंबर 9, चारनाका सोलर पार्क। विकास और तकनीक की दृष्टि से देखें तो गुजरात भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है, जहां पर ज्यादातर क्षेत्रों में नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात के पाटन जिले के चारनाका सोलर पार्क से लगाया जा सकता है, जहां पर भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2010 को इस प्लांट का उद्घाटन किया था। ये सोलर पावर प्लांट 5000 एकड़ में बना हुआ है, जो 500 मेगावाट तक बिजली बना सकता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके दिमाग में भारत की कोई और मेगा प्रोजेक्ट परियोजना हो तो प्लीज उसे भी कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।